कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले मैगी नूडल्स बनाती है। नेस्ले की 30% कमाई मैगी नूडल्स से होती है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों समान रूप से मैगी खाना पसंद करते हैं। पकाने में आसान है, इसलिए लोग मैगी नूडल्स खरीदते हैं। बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी पसंद है मैगी नूडल्स। 2015 में मैगी विवाद शुरू हुआ था। इसकी आंच ने पूरे नूडल्स मार्केट को झुलसा दिया था। लेट और MSG की अधिक मात्रा पाए जाने के बाद नेस्ले समेत अन्य कंपनियों को 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। क्योंकि नूडल्स खाने की चीज़ है, लोग अपने और अपने बच्चों की सेहत से समझौता नहीं करते। यही वजह है कि लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद मैगी नूडल्स बाज़ार में दोबारा आया, लेकिन ताज़ा मामला पहले मामले से भी ज़्यादा गंभीर है। नूडल्स के पैकेट में मांस के टुकड़े मिलने जैसी घटना से उसकी साख और गुणवत्ता पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आप भी फास्ट फूड खाने का शौक पालते हैं? मैगी नूडल्स आपको बहुत अच्छा लगता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो अब संभल जाइए, क्योंकि मैगी नूडल्स में अब मांस के टुकड़े मिलने लगे हैं। लेड यानी शीशे की ज़्यादा मात्रा, या यूं कहें खतरनाक मात्रा की वजह से भारत में प्रतिबंध झेल चुके मैगी नूडल्स में मांस का टुकड़ा मिलने लगा है। झारखंड में ऐसा एक मामला सामने आया है। गढ़वा जिला में एक बैंक मैनेजर ने खाने के लिए 3 नूडल्स खरीदे थे। घर पहुंचे, उन्होंने एक एक कर पैकेट को खोलना शुरू किया। पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, और जैसे ही तीसरा पैकेट खोला, बैंक मैनेजर के होश उड़ गए। जी हाँ, दीपक सोलंकी नाम के इस बैंक मैनेजर ने उसमें देखा कि एक मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है। इससे परेशान बैंक मैनेजर ने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, मीडिया वालों को हड़बड़ में अपने घर बुलाया, लोगों को बताया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। मीडिया से अपील की कि इसको बड़े पैमाने पे दिखाएं, वो प्रसारित करें लोगों के बीच, लोगों को जागरूक करें कि इसके खाने की चीज़ के साथ इस तरह की का खिलवाड़ कैसे हो सकता है। उन्होंने प्रशासन में भी शिकायत की, लिखित शिकायत दी है और मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए जो भी बन पड़े प्रशासन से उसे वो करना चाहिए।